Hey awesome learners, welcome to the learn and earn together session by Geese Trading. हम लोग ये वीडियो उनके लिए लेकर आए हैं जिन्हें सच में ट्रेडिंग सीखने का इंटरेस्ट है और इंडिपेंडेंट होना है. आज हम लोग सीखेंगे कि एडवांस मनी जोन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द फेमस बुक सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बाय फ्रैंकलिन ओचावा. सो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पर्सनली आई बिलीव दिस हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन इन माई ट्रेडिंग जर्नी एंड आई हैवंट फेल्ट सच कॉन्फिडेंट बिफोर without learning these lessons. Okay, so without wasting any time, let's start the lesson. So Jesse Livermore ka famous quote hai ki a trader gets to play the game as a professional billiard player does, that is he looks far ahead instead of considering a particular shot before him. So bolta hai ki trader jo hota hai na usko long term view mein dekhna hota hai, jis tarah se ek billiard player ko ek long term view lekar ke wo shots khelta hai, usi tarah se ek trader bhi jo hai ek long term game khelta hai. और इट गेट्स टू एन इंस्टिंक्ट टू प्ले द गेम फॉर पोजिशन. इंस्टिंक्ट मतलब हो गया कि एक ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है उस पोजिशन के लिए खेलने के लिए. सो मनी जोन जब आप सीख जाओगे ना दोस्तों, तो आई गारंटी यू कि आप जो है वैल्यू एरियाज ड्रॉ करके मार्केट को जानने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. कोई भी पैटर्न अगर मार्केट बना रहा है तो वो क्यों उस तरह से कर रहा है. ठीक है. The levels show you where real money has exchanged hands, which is extremely valuable information when trading. The use of the value area or the point of control as support and resistance is significant because these levels are based on the predictions of the actual market participants. बोल रहा है कि इसमें जो support and resistance levels बनते हैं ना, वो actual market participant किस तरह से behavior दिखाते हैं उसके कारण बनते हैं. There is nothing about the money zone that does or does not work. क्या होता है कि जैसे कोई पैटर्न या साइकोलॉजी है वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लेकिन मनी जोन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा. ठीक है. वो क्या होता है कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे ये मनी जोन जो है वो काम करता है. ठीक है. सो क्या होता है कि वाइल द मनी जोन इज़ अ सिंपल टूल, देर इज़ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ डेप्थ बिहाइंड द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड. मनी जोन एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे जो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो really extraordinary है. And yeah, you will fall in love with this after reading this. Okay, so the open relation to value and range. हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि market का open जो है वो किस तरह से हो रहा है, वो पिछले दिन के value के under में है या पिछले दिन के range के अंदर में है, इस तरह से हम लोग देखते हैं. So तीन scenario बनते हैं. ठीक है. The market's open can have a significant influence on the day's outcome. Specifically in the open in the relation to the range and value can help you forecast potential price behavior for the session. आप डे का स्टार्टिंग कैंडल देख करके दोस्तों जान पाइएगा कि आज मार्केट किस तरह का बिहेवियर होने वाला है मार्केट में. आज क्या पहले तीन चार कैंडल सही समझ जाएंगे कि क्या आज रिजेक्शन हो जाएगा उस लेवल का. तो ये पिवट बॉस की इस बुक से ही पॉसिबल हो पाता है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओपनिंग रिलेशनशिप्स कैन हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द डे ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय प्रूविंग और डिसप्रूविंग योर फॉरकास्ट. मतलब क्या होगा, या तो आप सही होंगे या तो गलत होंगे. तो क्या होगा कि जब हम लोग क्या होता है कि जब मेरा किसी लेवल को मार्केट एक्सेप्ट करता है तो उसके हिसाब से चलता है, और रिजेक्ट करता है तो उसके अपोजिट हिसाब से चलता है. वही हम लोग को जानना है. ठीक है. तो तीन ओपनिंग रिलेशनशिप है. पहला, अगर नेक्स्ट दिन का मार्केट पिछले दिन के रेंज और वैल्यू के अंदर खुला तब उसमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो रहा है, ये देखना. और नेक्स्ट जो होता है कि मार्केट इन रेंज खुला एंड आउट ऑफ वैल्यू खुला, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन उसमें भी देखना है. या तो आउट ऑफ रेंज एंड आउट ऑफ वैल्यू खुल गया, पिछले दिन के रेंज और वैल्यू से बाहर खुला, तो उसमें ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देखना है. तो जब एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों तो क्लैरिटी आएगा. तो क्या बोलता है कि एन ओपन दैट अकर्स इन रेंज एंड इन वैल्यू इंडिकेट्स मार्केट सेंटिमेंट फ्रॉम द पेड हैज नॉट चेंज एंड द मार्केट इज करेंटली इन बैलेंस. ओके. सो एक बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये पिछले दिन का एक रेंज है. ठीक है. ये जो ब्लू लाइन से मैं मार्क किया हूँ ना, ये पिछले दिन का रेंज है. ठीक है. और ये VH और VL जो है ना, ये आपका वैल्यू एरिया है पिछले दिन का. तो क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, इसी वैल्यू एरिया के अंदर खुला और पिछले दिन का रेंज के अंदर खुला. तो अब हमको देखना है कि क्या मार्केट इस एरिया को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है. तो देखिए, पहले ही कुछ तीन चार कैंडल्स के अंदर में, ठीक है, पहले ही तीन चार कैंडल्स में मार्केट क्या है, रिजेक्शन दे रहा है. ऊपर क्या हो रहा है, विक्स वाले कैंडल्स बनने जग रहे हैं. तो ये रिजेक्शन हो रहा है, तो वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं. और यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनेगा कोई रिवर्सल पैटर्न, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो ये वैल्यू एरिया लो तक का सेलिंग है. फिर क्या हुआ, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बायर्स लोग आ गए, बायर्स लोग आ करके इसको फिर से जो है इस यहाँ तक VAH पर ले गए. तो क्या होता है कि ये जो रिलेशनशिप्स आप देखते हैं, तो यही आपको बताएगा कि किस तरह का रेंज मार्केट जो है डे शो करेगा. क्या आपको टिपिकल डे देगा, क्या एक्सपेंडेड टिपिकल डे देगा, रेंज डे देगा, ट्रेंड दे देगा.
ठीक है, कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे होने वाला है। तो ये सब जो है ये ओपन रिलेशन से हम लोग पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये लोग कि व्हेन दिस अकर्स द डेज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आर बोथ लो व्हिच यूजुअली लीड टू अ क्वाइट ट्रेडिंग रेंज सेशन। अ टिपिकल डे ट्रेडिंग रेंज डे और साइडवेज डे विल यूजुअली डेवलप फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ओपन रिलेशनशिप। अगर इस तरह से कोई ओपन रिलेशनशिप हुआ है तो आपको टिपिकल डे ट्रेडिंग डे और साइडवेज डे मिल सकता है। हाँ, और एक बार दोस्तों, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ट्रेडिंग रेंज डेज के बारे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जांपल्स लेके समझाए हैं, तो जाइए उन्हें देखिए। ठीक है, और आप देखिएगा कि उसी तरह का वैल्यू यहाँ पे बन रहा है। यहाँ देखिए क्या हुआ, पहले वाइड रेंज बना दिया, उसके बाद मार्केट जो है इसी दो एरियाज के बीच में ट्रेड करने लगा। तो ये क्या है, तो ट्रेडिंग रेंज डे हो गया। ठीक है, इसी दो रेंज के बीच में मार्केट जो है ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, देखिए इसी रेंज के बीच में मार्केट क्या है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, सो अब देखिए, फिगर शोज अ ओपन रिजर्वल फ्रॉम द प्रायर डेज रेंज एंड इन वैल्यू। ओके, नोटिस द मार्केट ब्रीफली टेस्टेड प्राइस लेवल ओवर द प्रायर डेज रेंज एंड वैल्यू, बट रिस्पॉन्सिव सेलर्स एंटर द मार्केट एंड पुश द प्राइस टुवर्ड द एक्सेप्टेड वैल्यू। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव सेलर्स आ गए और इसको वैल्यू तक ले गए। प्राइस देन ट्रेडेड बैक एंड फोर्थ विद द इनिशियल बैलेंस क्रिएटिंग अ क्लियर ट्रेडिंग रेंज डे। तो क्लियर ट्रेडिंग रेंज डे बन गया। ठीक है, रिमेंबर इफ द प्राइस ओपन विद इन द रेंज एंड वैल्यू मार्केट सेंटीमेंट हैज नॉट चेंज फ्रॉम द प्रायर सेशन। मतलब ये हुआ कुल मिला के इस बार का सार यही है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुला है और वैल्यू एरिया के अंदर खुला है तो क्या होगा। ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, एज सच द मार्केट इज कंटेंट टू ट्रेड क्वाइटली इन अ रेंज, तो क्या होगा, ट्रेडिंग रेंज डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो जाता ये वाला, इफ द मार्केट हैड रिजेक्टेड द इनिशियल रिलेशनशिप इनिशियल पार्टीज वुड हैव एक्सटेंडेड द डेज रेंज बियॉन्ड द प्रीवियस एक्सट्रीम एंड बिगर मूव वुड हैव रिजल्टेड। अब मान लीजिए क्या होता, मान लीजिए मार्केट जो है इस यहाँ से मान लीजिए इसको ब्रेकआउट दे करके, इस वाले जोन को ब्रेकआउट दे करके ऊपर भागने लगता, तो हम लोग क्या करते, एक ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते थे। क्या हो गया, रिजेक्शन ऑफ द वैल्यू हो गया। मतलब क्या हुआ, मार्केट जो है इस लेवल्स का रिस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर उठने लगा। ठीक है, सो यही होता है दोस्तों, जो यहाँ लिखा था ना, या देखिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिखा था ना, तो यही वो चीज़ है। ठीक है, या तो प्रीवियस डे का वैल्यू और रेंज एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं सेकंड टाइप ओपनिंग रिलेशनशिप पे। सो सेकंड टाइप ओपनिंग रिलेशनशिप क्या है, इन रेंज बट आउट ऑफ वैल्यू। ठीक है, इंडिकेट्स दैट मार्केट सेंटीमेंट हैज चेंज्ड स्लाइटली व्हिच ऑफर्स मोर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सो क्या होगा दोस्तों, मार्केट जो है रेंज के अंदर खुलेगा बट वैल्यू जो है आउट ऑफ वैल्यू खुलेगा। ठीक है, इंडिकेट्स दैट मार्केट सेंटीमेंट हैज चेंज्ड स्लाइटली। ओके, however, in order for greater direction conviction to be seen, the market must break free from the previous range and accept new value. If this occurred, trend day, double distribution day, expanded typical day scenario will likely to develop. So, यहाँ देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, market जो है previous value area के नीचे खुला, लेकिन market का previous days का range कितना था, इतना बड़ा previous day का range है। market range के अंदर ही खुला है, previous day range के अंदर ही है, लेकिन क्या हुआ, इस value area के बाहर है। तो क्या हुआ, वैल्यू एरिया से यहाँ देखिए आप रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो एक नीचे की तरफ का सेशन आपको मिला है, फॉल मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ग्रेटर रिस्क है और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, सो अब देख हम लोग पढ़ते देखिए क्या ये लोग बोल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर ग्रेटर डायरेक्शनल कन्विक्शन के लिए दोनों तरफ अगर ये रेंज नीचे की तरफ टूटता है तो इनिशिएटिव पार्टीज आएंगे और नए जोन की तरफ जा पाएंगे। नीचे की तरफ टूटा या फिर मान लीजिए ये ऊपर जाकर के ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो भी एक अलग तरह का एक्टिविटी आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आप हाउर फॉर द ग्रेटर डायरेक्शन कन्विक्शन द मार्केट मस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम द प्रे डेज रेंज एंड एक्सेप्ट न्यू वैल्यूज। इफ दिस अकर्स द ट्रेंड डे डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे और एक्सपेंडेड टिपिकल डे सिनेरियो विल लाइकली टू डेवलप। हाँ, ठीक है, अगर मान लीजिए उसको तोड़ देता है उस रेंज को, तो आपको मिलेगा ट्रेंड डे, या तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे या एक्सपेंडेड टिपिकल डे। If the market does not break free from the prior day's range, however, further range activity will be seen, paving the way for a typical day, trading range or sideways scenario. हाँ, अगर ये range को नहीं तोड़ता है तो आपको क्या मिलेगा, typical day, trading range day या sideways day हो सकता है। तो यही example के थ्रू आपको बताना चाह रहा है, crude oil के example में। So, अब हम लोग चल रहे हैं कि last type of opening relationship is an open that occurs out of prior day's value and out of prior day's value and out of range. तो ये जो है आपका जो ऑर्डर है उसका फेमस उसका जो बहुत अच्छा सेटअप है ये, उसमें ये लोग क्या बोलते हैं कि
ये बताता है कि मार्केट सेंटीमेंट हैज चेंज क्लियरली फ्रॉम द प्रीवियस डे। मार्केट सेंटीमेंट जो है काफ़ी चेंज हो गया। कभी कभी आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ऊपर खुला है और फिर उसके ऊपर से भागते ही जाता है, या तो अचानक से ऊपर खुला और नीचे गिरने लग गया। तो वही चीज़ कैसे पता लगेगा, यही वैल्यू देख करके पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हुआ। अ ट्रेंड डे और डबल सिचुएशन डे विल यूजली अराइज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हाउएवर द प्राइस पुशेस बैक विद इन द प्रीवियस रेंज, दिस मीन द रिस्पॉन्सिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर एबल टू पुश प्राइस बैक टुवर्ड द प्राइस वैल्यू इंडिकेटिंग अ फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट। तो इसमें भी आपको देखना है कि क्या एक्सेप्टेंस हो रहा है रिलेशनशिप का या रिजेक्शन हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ये पिछले दिन का वैल्यू एरिया था वी एच बी एल और ये इसका रेंज था। ठीक है, रेंज के बाहर खुला, यहाँ पे जो क्या हुआ, इनिशिएटिव पार्टीज एक्शन लेकर के मार्केट को एकदम ऊपर लेकर के चले गए, तो एक ट्रेंड डे बन गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मार्केट क्या होता है, रेंज पे खुलता है, एक दो कैंडल्स रिजेक्शन का बनाता है और नीचे गिरने लगता है। तो वो क्या है, रिजेक्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप देखेगा तो मार्केट फॉल होगा, एक्सेप्टेंस हो गया तो ऊपर की तरफ दिखने लगा, और नियरेस्ट जो कहीं ना कहीं का जो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा वहाँ तक मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जब आप मार्केट को देखिएगा तो आपको जो साइकोलॉजी जो है बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग करिएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एंड ओपन दैट अकर्स आउट ऑफ द रेंज एंड ऑफ एंड वैल्यू ऑफर्स द मोस्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, विद द प्राइस एट रिवर्स बैक इन टू द प्रीवियस रेंज रिजेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट वुड हैव सीन। ठीक है, रिजेक्शन होगा तो नीचे की तरफ दिखेगा, मैं बता ही दूँगा जैसा। ठीक है, सो क्या होता है कि सिंपली पेइंग अटेंशन टू इंपॉर्टेंट प्राइवेट रिलेशनशिप्स कैन इमेंसली इंप्रूव योर ट्रेडिंग। कन्वर्सली बोल रहा है कि मार्केट में जब आप प्राइवेट रिलेशनशिप को ध्यान से समझने लगते हैं तो आप रिवर्सल्स या फिर ट्रेंड अच्छे से पहचान पाएंगे, है ना, और इस पर ट्रेड कर पाएंगे। सो दोस्तों यहाँ ही आज का लेसन यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट पार्ट में मैं वैल्यू रिलेशनशिप पर डिस्कस करूँगा कि हायर वैल्यू एरिया, लोअर वैल्यू एरियाज, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे कैसे होते हैं और उसमें किस तरह का सेटअप्स बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होने वाला है, पार्ट टू भी। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना, और लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर का ये जो मिशन है ना मेरा, इसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, है ना।